आपके अपने चैनल टाइगर लैटिक पर। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग भी अभी तक पूरे के पूरे परेशान हो चुके होंगे। अगर आप लोग वो जीरेक्स की ट्रेडर है, अगर आप लोग वो जीरेक्स में ट्रेड करते हैं और आप लोग अगर BTT होल्डर से, तो यानी कि अगर आप लोग वो जीरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं और आपने वो जीरेक्स में BTT बाय करके रखा होगा, तो आप लोग अभी पूरा यानी कि चिंता में हो गए होंगे, अभी आप लोग पूरा पैनिक हो चुके होंगे। तो आज मैं आप लोग को यानी कि इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाला कि BTT कॉइन है ये इतना हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कल ये हटा कॉइन डीसेक्स से, यानी कि कॉइन डीसेक्स हॉटबिट के वेबसाइट से, एक्सचेंजर से, आज हट गया ये वजीरेक से। तो अब ये कहाँ कहाँ से हटेगा और ये कब वापस आएगा, इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो वजीरेक से, अगर आप लोग ने BTT कॉइन को बाय करके रखा होगा, तो आप लोग अगर फंड में जाके देखेंगे तो आप लोग ने पास अगर मान लीजिए कि 50 BTT था, तो आपको 50 BTT तो दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका रुपीज़ वैल्यू नहीं दिखाएगा, यानी कि रुपीज़ में आपका जीरो दिखाएगा। तो ये जब आपने BZX का जब न्यूज आया था, तो BZX में कुछ इसी तरीके का हुआ था। और लेकिन ये कब आएगा वो मैं अगर आप लोग को बताऊँ, तो जैसे कि मैं अपना मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लोग का यानी कि जो BTT कॉइन है ये वापस कब आएगा, ये वापस हम लोग के इसमें एक्सचेंजर सब में ये कब आएगा, हम लोग का जो वैल्यू है वो कब आएगा। तो ये जो BTT कॉइन है वो रिलीज्ड होके यानी कि BTTC के नाम से आएगा। एक आपके यानी कि अगर आप लोगों के पास एक BTT टोकन है, तो आप लोग को 1000 BTTC टोकन मिलेगा। और बाकी इसकी पूरी डिटेल की वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को मैंने फुल डिटेल दी है कि 21 दिन को वापस आएगा BTT कॉइन, और कब भी यहाँ पे यानी कि फिर से ये हम लोग के बीच आएगा और आप लोग इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिए, दोस्तों साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी BTT कॉइन अगर वो होल्ड करके रखे हुए, बाय करके रखे हुए, तो वो लोग भी ज़्यादा पैनिक ना होए। और आप लोग से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा पैनिक ना होए, ये आप लोग के बीच में जल्द ही आ जाएगा, और कब आएगा वो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।